अजय आपके भतीजे विजय बघेल जी बोलते हैं मैं मुख्यमंत्री को पाटन से चुनौती दूंगा, लड़ने की इच्छा जारी है। अरे पिछले समय तो उसको लड़ने के लायक नहीं समझे थे पाटन में, वो बाहर से लाए थे पैरासूट। हाँ ज्यादा काम करेगा क्योंकि चुनाव आ रहा है 23 का विधानसभा का और 24 का लोकसभा का, और इसके साथ साथ जनता में एक नई उमंग है और दोबारा से यहाँ हमारी सरकार बनेगी। दास मान जी जो हमारे विधानसभा का अध्यक्ष हैं वो पधारे, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरा समय इस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया और निर्देश भी दिए, जानकारियाँ भी ली, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही MSP के मामले में ऊँट के मुंह में जीरा, देखिए UPA के समय UPA सरकार में 130% वृद्धि हुई थी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, 130% वृद्धि हुई थी, और इसके समय अभी जो मिला के बात करें तो 66-67% हो रहा है, तो हमने 130% वृद्धि की, ये 66% में मतलब सीधा सीधा आधा मत किसानों के साथ सीधा धोखा है, क्योंकि आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी। पिछले 5 साल पहले आप देखेंगे चुनाव के पहले मोदी जी सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी और अभी 143 रुपया किया है। इसका मतलब ये है कि पिछले समय जो दिए थे चुनाव समय भी उन्होंने कटौती कर दी। इसका मतलब ये है कि किसान की सरकार नहीं है, किसानों को उनको वोट नहीं चाहिए। आपने समय दिया है 4 महीने का अपनी कार्यशैली को सुधारने के लिए, जो विधायकों नाराजगी है उसको लेकर क्या? विधायकों से कोई नाराजगी नहीं है, अधिकांश विधायकों के रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छे हैं, किसी विधायक के कुछ कमजोरी है तो 4 महीना भी समय है और उसके बाद पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करती है, सारे हम लोग रिपोर्ट देंगे। शैलजा जी यहाँ लगातार हैं, वो हर विधानसभा जा रही हैं, हर जिले हर संभाग हर विधानसभा में जाएंगे, तो वो सब चीज़ें वो देखेंगे, सर्वे भी होगा, ब्लॉक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सबके व्यू ले जाएंगे और उसके बाद फिर अंतिम फैसला हाईकमान का होगा। वैशाली नगर राजधानी, उसके लिए अलग से रणनीति बनाएंगे और दोनों सीट जीतेंगे। शराब प्रेमी एक राजस्व का बड़ा हिस्सा देते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छी शराब मिले, अच्छी शराब सस्ती मिले। शराब के मामले में रमन सिंह जो व्यवस्था करके रखे हैं ना, वही व्यवस्था चल रही है। मैं तो चाहता था बंद करूं, लेकिन अब कोरोना भी आ गया, जो परिस्थितियां बनी और लोग जहरीली शराब पी के मर गए, नकली शराब सैनिटाइजर पी के मर गए, तो अब हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं बंद कर दूं और लोग इस प्रकार से यदि जहरीली शराब पिए और लोगों की मौतें हो जाएं, तो मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। सस्ते करने की बहुत सारे लेटर जा रहे हैं आजकल, सस्ते करने अच्छे क्वालिटी के लिए। अच्छा ठीक है, अमित शाह आ रहे हैं आज, केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज आए ना भैया, अच्छी बात है अमित शाह जी आए। पिछले समय 65 का लक्ष्य देते हैं, हम लोग 68 सीट जीत रहे हैं, अब आ रहे हैं कितना का लक्ष्य देते हैं तो हम लोग फिर उसको रिसीव करेंगे। और जो काटा वाला को लेकर भी किया गया था 2023 का चुनाव, इसको लेकर के क्या लक्ष्य रखा है? लक्ष्य यही है कि जो हमारे कार्यकर्ता जमीन पर कार्य करते हैं, पिछली बार भी उन्होंने इतनी मेहनत की, हमारी सरकार बनी, और अगर हम दुर्ग संभाग की बात करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री खुद हैं और यहाँ का कार्यकर्ता पूरे जोश में है, यहाँ काम किया है। पहले भी हमें 20 में से 17 फिर 18 सीटें यहाँ से जीत कर दी हैं, और आने वाले समय में क्योंकि ना केवल दुर्ग संभाग में लेकिन पूरे राज्य में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कार्य किया है बघेल जी के नेतृत्व में,
हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं जाती है छत्तीसगढ़ मॉडल की, पूरे देश में बात की जाती है, तो काम करके दिखाया है, लोगों में उत्साह है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा कार्यकर्ता पूरा उत्साहित होकर नीचे ज़मीन पर ग्रास रूट लेवल पर फिर से कार्य करेगा, क्योंकि सरकार की जो स्कीमें हैं उनके बारे में भी लोगों को अवगत कराएंगे और लाभार्थी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ग आज के दिन ऐसा बचा होगा छत्तीसगढ़ में, चाहे वो गरीब से गरीब हमारा मजदूर है, किसान है, चाहे शहरों में हमारे लोग बस रहे हैं या गांवों में हैं, तो हर तरह से उनकी शिक्षा का प्रबंध अच्छे से अच्छे उम्दा स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्कूल ने उनके बच्चे आज पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा उनके घर तक, उन तक पहुंच रही है, ना कि उन्हें कहीं और जाना पड़े। और इसी प्रकार से चाहे वन उपज की बात हो, हर तरह से हर एक को, महिलाओं के लिए जो मैंने खुद देखा है, अपनी आँखों से देखा है, जो उनके समूह काम कर रहे हैं, विदेशों तक से उनको ऑर्डर मिलते हैं, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा कार्यकर्ता उत्साहित होकर नीचे ज़मीन पर सीटों में 18 सीटें आपके पास है, 2 सीटें अभी नहीं है, इसके लिए किस तरह से मजबूती से काम करेंगे? डॉक्टर रमन सिंह भी यहीं से आते हैं और एक सीट जो है जी बिल्कुल, डॉक्टर रमन सिंह आते हैं। 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन लोगों ने देखा, उसके विपरीत ही तो हमें इतना अच्छा यहाँ पर जो बहुमत मिला था। और उसके अलावा रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी आज उनको पूछ नहीं रही है, उन्हें दरकिनार किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा आने वाले समय में, वो सीट भी हम टिकट वितरण बड़े सोच समझ कर किया जाता है, पिछली बार भी किया और यही कारण था कि हमारी 68 सीटें हम जीते थे। और इस बार फिर सभी लोग मिलकर बैठकर पूरे सर्वे भी किए जाते हैं, सबका एक एक MLA का आंकलन किया जाता है, उसके कार्य का, ज़मीन पर क्या काम हो रहा है। और हमारा प्रयास होगा कि हम विनेबिलिटी को देखें और कांग्रेस के प्रति निष्ठा को देखें और उन्हीं को हम टिकट जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि पिछली बार 17 आई थी, एक बाद में आई तो 17 आई थी, तो हमें विश्वास है क्योंकि उस समय के देखो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, तो जैसा भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा उनका प्रभाव था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उनका कोई विशेष प्रभाव जनता में या अपनी पार्टी में बचा है। तो 20 में से 20 हम जीतने की पूरी ये जब हम साथ में बैठेंगे, 60 तो कभी नहीं होता, लेकिन हम सब, हाँ हाँ, अमित शाह जी बिल्कुल आ रहे हैं, ना केवल दुर्ग में लेकिन वो बार बार यहाँ पर आ रहे हैं और फिर से लोगों को बरगलाने के लिए आ रहे हैं, जुमलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से आग लगी है, पहले उसको बुझा लें और पूरे देश में देखें, यहाँ पर हमने संभाला हुआ है। आपने देखा कि यहाँ जिस तरह से नक्सलवाद पहले था, उस पर कितना ज़्यादा काबू पाया गया है हमने, क्योंकि विकास करके दिखाया हमारी सरकार ने। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, बघेल जी पूरा काम करके दिखाया है, आज बस्तर वो बस्तर नहीं रहा या छत्तीसगढ़ वो छत्तीसगढ़ नहीं रहा, बहुत आगे हम पहुंच गए हैं और हमने आगे ले जाना है। इनका काम केवल धर्म की बात पर बरगलाना, तो कौन से धर्म की ये बात करते हैं? हम भाईचारे के धर्म की बात करते हैं, हम उस राम की बात करते हैं जो सबको साथ लेकर गरीब से गरीब की इंसान की बात सुनता था, हम इनके सिंहासन वालों की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यहाँ के लोग इनको अच्छी तरह से पहचान गए हैं, जान गए हैं, और ये कितनी बार आए इनको पूरा, हम तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, आए कितनी बार भी आए। कांग्रेस TS बाबा को कैसे मैनेज करेगी? वो अभी भी मैनेज किस बात का, मैनेज तो मैनेज करने का क्या मतलब होता है? हमारे नेता हैं, सीनियर नेता हैं, हमारे साथी हैं, उनका पहले भी योगदान रहा, आने वाले समय में भी योगदान होगा। हमारा परिवार है, हमारे सब नेता मिलजुल कर काम करते हैं और जो भी हम फैसले लेते हैं सब मिलजुल कर लेते हैं।
केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं कांकेर, उन्होंने काका यानी सीएम साहब को फाका बताया, कमेंट किया। देखो इनकी भाषा जिस प्रकार की है, दुख की बात है कि ये बात ऊपर से शुरू होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिस तरह से भाषा का प्रयोग, इनके मंत्री भी और नेता भी वो एक लाइन पर चल पड़ते हैं। ये भारत की संस्कृति नहीं है जिस प्रकार की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी ओर ये भी दिखता है कि ये कितने बौखला गए हैं।